क्या प्रकरण है रानी की सराय का? युवती द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ गैंगरेप चलती गाड़ी में उठा करके किया गया है और उस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। थाना रानी सराय आजमगढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला जो रानी सराय में कोचिंग करने गई थी, शाम को लौटते समय उसका कहना है कि चार स्कॉर्पियो सवार लड़कों ने उसको गाड़ी में डाल लिया और आगे ले जाकर उसके साथ दुराचार की घटना की गई। पूछताछ में उसका कहना है कि उस गाड़ी पे जो रिबन लगा हुआ था, जो नई गाड़ियों में लगा रहता है, और झंडा भी लगाया जाना बताया जा रहा है। उसकी सूचना पे 17 तारीख को थाने पे सूचना प्राप्त हुई है। उसकी सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। उसका पीड़िता का मेडिकल और 164 के बयान की कार्रवाई की जा रही है और वेचना प्रारंभ कर दी गई है। इसमें शीघ्र ही अभियुक्त गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई। सर, पीड़िता गाड़ी का आधा नंबर बता रही है, तो क्या इससे पुलिस को कुछ मदद? इस बारे में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का नंबर है वो बॉम्बे का, उसके बारे में भी वहाँ के SP और वहाँ के RTO से संपर्क किया गया है। उनसे भी डिटेल ली जा रही है कि ये गाड़ी किसके नाम से पंजीकृत है।